आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो फॉर्मेशन होती है आइस की वाटर में से, वो कैसे अकम्पनीड होती है, मतलब वो कैसे पॉसिबल हो पाती है। तो जो जब भी अगर हम क्या करेंगे, आइस से जो वाटर बनता है, आइस वाटर से जो आइस बनती है, जो हमारा रिलेशन है कि वाटर को जब हम फ्रीज कर देंगे तो आइस में फॉर्मड हो जाएगा वो, तो कैसे फॉर्मड होती है, तो फॉर्मेशन बताना है कि वो कैसे पॉसिबल हो पाती है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाती है जब हम वाटर का जो टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर दें तो जो वाटर होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से हीट का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। तो जब भी एब्जॉर्प्शन होगा हीट का, तो वाटर क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करा दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी एज अ हीट, तो मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें यही बोला गया था कि फॉर्मेशन होती है जो आइस की फ्रॉम द वाटर, वो कैसे पॉसिबल हो पाती है। तो जब भी एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का एज अ हीट, तो जो फॉर्मेशन होगी आइस की वो वाटर से पॉसिबल हो जाएगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।